हाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक इन फैक्ट्स में। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त सुखदेव जोशी और आप हमारे साथ हैं एक बहुत ही विशेष वीडियो के साथ में, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोग अपने Zenfone 5Z जो है उसमें आप लोग 49 मेगापिक्सल्स तक की सुपर रेजोल्यूशन फ़ोटो ले सकते हैं। किस प्रकार से लेंगे वो देखेंगे, पूरा का पूरा फुल डेमो होगा इसमें। और जो कि आप लोग अभी देख रहे हैं ओनर का जो व्यू 20 है उसमें आपको दिया गया है 48 मेगापिक्सल का, वो किस प्रकार से शेड्यूल करते हैं। और जो MI का आने वाला है अपना एक हैंडसेट MI Note 7 Pro, उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का सपोर्ट मिलता है। लेकिन वो एक फेक चीज़ है, क्योंकि 48 मेगापिक्सल को उसका प्रोसेसर ही सपोर्ट नहीं कर पाता, तो वो कहाँ से करेगा। लेकिन 5Z में आपको मिल जाता है 49 मेगापिक्सल तक की फ़ोटो, वो भी आप ले सकते हैं। किस प्रकार से लेंगे देखेंगे इसी वीडियो में पूरा फुल डेमो। लेकिन उससे पहले जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचें और आप उसे देख पाएँ सबसे पहले। चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या ऑनेस्ट एंड जेन्युइन ओपिनियन के लिए कर दीजिए सब्सक्राइब टेक इन फैक्ट्स को। सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देख पाएं सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपने आसूस Zenfone 5Z की जो पिक्चर है वो 49 मेगापिक्सल तक आप लोग किस प्रकार से ले सकते हैं। शुरुआत करता हूँ मैं इस डेमो की, जहाँ से आपको बताऊँगा किस प्रकार से आप लोग ये फ़ोटो जो है सुपर रेजोल्यूशन जो है इसकी। और जो फेक कैमराज आने वाले हैं अभी मार्केट में आए नहीं है, बस भूचाल सा है 48 मेगापिक्सल का, तो उनका तो फिलहाल हार्डवेयर भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसका हार्डवेयर सपोर्ट करता है। और आपको एक मिलता है प्रोफेशनल कैमरा, जिसमें कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से किस प्रकार से आप लोग अगर प्रोफेशनल हैं तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे इतने फ़ोटोग्राफी का नॉलेज नहीं है कि कर सके एडजस्टमेंट। लेकिन 49 मेगापिक्सल की फ़ोटो आप किस प्रकार से ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने कैमरा की स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए इसको बैक कैमरा की साइड में अपन ले लेते हैं बैक कैमरा। चलिए कुछ इस प्रकार की फ़ोटो आती है, जो कि ऑटो अभी 9 मेगापिक्सल पर ले रहा है। एक प्रोफेशनल कैमरा है जो अपने हिसाब से सेटलमेंट करता है किस प्रकार से आप लोग वीडियो को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको स्विप करना है जस्ट लेफ़्ट की साइड में, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो प्रो GF जो है GIF, और इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन मोड वगैरह, स्लो मोशन, लैंडस्केप वगैरह, और इसी के बीच में आपको मिलता है सुपर रेजोल्यूशन। सुपर रेजोल्यूशन में अगर आप लोग क्लिक करते हैं, तो मैं अभी हाल फिलहाल खेत में आया हुआ हूँ, तो आपको खेती की एक दिखा देता हूँ इस प्रकार से है। चलिए अब आपको राइट ऑफ द कॉर्नर सुपर रेजोल्यूशन 49 मेगापिक्सल्स तक की फ़ोटो दिख रही है, यानी मिलियंस ऑफ पिक्सल्स जो है इसके 49 हैं। चलिए ये फ़ोटो आप किस प्रकार से लेंगे, चलिए मैं ले लेता हूँ फ़ोटो। ये 49 मेगापिक्सल की फ़ोटो जो है अपने पास आ चुकी है, इसको हम शो ऑफ करते हैं आपके सामने। चलिए ये रही, तो इस प्रकार से आपका रेजोल्यूशन जो है। और डिटेल की बात करें तो डिटेल में हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए 8064x60 48, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना 49 मेगापिक्सल के करीब ही होगी। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। देख लीजिए आप काउंट कर सकते हैं 48.7 मिलियन ऑफ पिक्सल्स। तो इस प्रकार से आप लोग 49 मेगापिक्सल तक की फ़ोटो ले सकते हैं अब आसूस से। तो ये काम तो आसूस ने आई थिंक सो 6 महीने पहले ही कर दिया, तो 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे की जहाँ से मैं ना आए, क्योंकि आप वो इसे एक प्रोफेशनल कैमरा से भी ले सकते हैं। और जो नए व्यूवर्स हैं बताना चाहूँगा, हमारे इसी चैनल पर आपको
एक गिव अवे कॉम्पिटिशन चल रहा है जिसमें कि आप लोग आसुस के इस 5G को जीत सकते हैं। बस जो भी है वीडियो देख लीजिए, आपको कार्ट में मिल जाएगा या फिर एंड ऑफ द स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल सकता है। जो वहाँ पे जाके वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग, बाय बाय।